हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माय सेल्फ मंदीप पाटीदार। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ये डी फार्मेसी का सब्जेक्ट है, ठीक है, डी फार्मेसी। और कुछ पार्ट इसका बी फार्मेसी में भी, हिस्ट्री के बारे में बात जो आज हम कर रहे हैं ये बी फॉर्म में भी कॉमन है। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया पे चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में बात की है बिफोर इंडिपेंडेंस की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी, उसके पहले हमारे यहाँ क्या करता था, केवल आयुर्वेदा या नेचुरलपैथी हम यूज करते थे। हमारे यहाँ वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी का भाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई फिर उन लोगों ने हम पे राज किया। तो ये हम पढ़ चुके हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, तीन इंडस्ट्री बनी थी इंडिपेंडेंस के पहले हमारे देश में, वो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। हम पिछले वीडियो में बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो का लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज बात कर रहे हैं हम आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब जैसे ही बात करेंगे तो 1947 के बाद, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। फिर हुआ यूं कि यहां पर भी वही जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो समस्या आई थी कि ऐसे हाथों में चले जाता है जब कोई देखने वाला नहीं होता है, तो यहां पर भी कोई सिस्टम तो बचा नहीं, हम आजाद हो गए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश करा। उसके बाद 1948 में ही इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड। इंडियन फार्माकोपियल कमेटी 1948 में कंस्टिट्यूट हुई, जिसके चेयरमैन कौन थे, बी एन घोष। फिर 1949 में हम यदि बात करें तो पीसीआई, जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो 1949 में स्टेबलाइज हुआ। फिर 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन स्टार्ट हुआ कुछ स्टेट्स में, पूरी स्टेट में यहां पर स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर धीरे धीरे आगे होता रहा। 1954 में ही ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू हुआ। 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बना। उसी के साथ 1955 में ही फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम बोलते हैं आईपी, ये 1955 में पब्लिश हुई। 1985 में नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट बना। जो हम बात करते हैं ना, नार्कोटिक्स भी गए, नार्कोटिक्स ने इतने का हेरोइन पकड़ा, ये सब 1985 एक्ट के अंदर हमारे यहाँ काम करते हैं, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।